हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से वेलकम इस क्लास में। और आज की क्लास में जो हमारा टॉपिक है वो है एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, यानी एक कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर होती है उसका फॉर्मूले का हम डेरिवेशन करेंगे। तो इसको कैसे समझें, तो सबसे पहली बात, कैपेसिटर में एनर्जी होगी क्यों? तो जैसे मान लीजिए ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये दोनों प्लेट अभी इसमें कोई चार्ज नहीं है। यदि इसको हम चार्ज करेंगे तो चार्ज कैसे करेंगे, आप बैटरी से करेंगे। तो मान लो इसको हमने चार्ज किया तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा या नेगेटिव चार्ज आएगा, तो ये अपने आप तो होगा नहीं, बैटरी वर्क करेगा। तो जो वर्क बैटरी ने की है, बैटरी के अंदर जो है केमिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट होके इसमें स्टोर हो जाएगी कैपेसिटर के अंदर, और कैपेसिटर में वो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी के फॉर्म में, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में वो स्टोर होगी। ठीक है, तो हालांकि हम चार्जिंग करेंगे ये बैटरी से, लेकिन फॉर द डेरिवेशन पर्पसेस, डेरिवेशन पर्पस के लिए हम क्या मान रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, ये जो है अभी कोई भी चार्ज नहीं है दोनों प्लेट में, तो हम क्या कर सकते हैं, ये कंडक्टिंग प्लेट है तो इसमें से एक पॉजिटिव चार्ज निकाला किसमें से, राइट वाली प्लेट में से, और इसको हम लेके गए लेफ्ट वाली प्लेट में, यहाँ पे स्टोर कर दिया। तो एक प्लस एक्स्ट्रा चार्ज कहाँ पे, इसमें आ जाएगा, और उतना ही एक नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने किया, ऐसे हम करते जा रहे हैं, इसके ऊपर और प्लस आते जा रहा है और उतना ही यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आते जा रहा है। तो अभी हम करते जाएंगे, अभी फुल्ली चार्ज नहीं हुआ है, मान लीजिए अभी इन बिटवीन हम पहुँचे, तो इन बिटवीन अभी आधा ही हमने किया है ये काम, अभी फुल्ली चार्ज नहीं है ये प्लेट, तो इस पर भी चार्ज आ गया, मान लो क्यू डैश प्लस क्यू डैश, और इस पर चार्ज है मान लीजिए माइनस क्यू डैश। ठीक है, अभी और हमें ट्रांसफ़र करना है, तो जब आप ये ट्रांसफ़र करोगे चार्ज को तो आपको वर्क करना पड़ेगा। क्यों वर्क करना पड़ेगा, देखिए क्या होगा, जैसे ही एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया, ठीक है, अब दूसरे पॉजिटिव चार्ज को आपको इस प्लेट के पास लाना है, तो ये वाला जो प्लेट का पॉजिटिव चार्ज उसको रिपेल करेगा ना अगले पॉजिटिव को, तो आपको एफर्ट लगा के दूसरा चार्ज लाना पड़ेगा, और इन दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस भी क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, और फिर अगले चार्ज को और लाना है आपको, तो अब अगली बार आपको दो पॉजिटिव चार्ज मिलेंगे रिपेल करेंगे जो, तो आपको और ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। फिर अगले केस में तीन पॉजिटिव चार्ज मिलेंगे तो और ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, ऐसे आपको वर्क करते जाना पड़ेगा और वो बढ़ता जाएगा वर्क हर चार्ज के लिए। ठीक है, तो अभी इस सिचुएशन पे हम पहुंचे हैं कि इस पे चार्ज है क्यू डैश, इस पे चार्ज है माइनस क्यू डैश, और अभी इनके बीच में कुछ ना कुछ पोटेंशियल है, मान लो ये है वी डैश। ठीक है, तो इस केस में, ठीक है, इस केस में क्या होगा, V डैश इज इक्वल टू क्यू डैश अपॉन सी, हम ऐसा लिख सकते हैं, जिसमें जो C है इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है। ठीक है, समझ में आ गया। अब अगले स्टेज में हम क्या करें, अब इस पे चार्ज क्यू डैश है, इस पे भी क्यू डैश है प्लस माइनस, इन अभी पोटेंशियल है V डैश, यदि हम अब एक्स्ट्रा एक और चार्ज इसमें से ट्रांसफर करेंगे जिसकी वैल्यू है डी क्यू डैश, दिस इज वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज, यानी डिफरेंशियल अमाउंट ऑफ चार्ज, यदि आप राइट प्लेट से लेफ्ट में ले जाएंगे तो आपको डिफरेंशियल वर्क डन करना पड़ेगा, और वो जो डिफरेंशियल वर्क डन होगा वो क्या होगा, पोटेंशियल इंटू चार्ज, यानी वी डैश इंटू डी क्यू डैश, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है वर्क डन का इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एंड चार्ज, वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल इंटू चार्ज। अब ये तो हो गया स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग डी क्यू चार्ज, अगर टोटल चार्ज इसको हम कर देंगे, कंप्लीटली चार्ज कर देंगे, तो जो टोटल वर्क डन हुआ वो इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करने से आएगा, तो टोटल वर्क डन W विल बी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन V डैश डी क्यू डैश। ठीक है, अब यहाँ पे हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं इस एक्सप्रेशन का, तो इनिशियली हम क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, ये जो प्लेट है पॉजिटिव प्लेट को, सॉरी इस प्लेट को हम जो है पॉजिटिव चार्ज दे रहे हैं, इनिशियली इसमें चार्ज कितना था, जीरो था, और फाइनली मान लो जब ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो इस पे चार्ज आ जाएगा क्यू, तो इसी हिसाब से यहाँ पे जो डिफरेंशियल वैल्यू वेरिएबल है ना डी क्यू, इसकी लिमिट हो जाएगी, इनिशियल चार्ज जीरो था इस प्लेट में, फाइनल चार्ज हो जाएगा क्यू। ठीक है, अब ये जो वी डैश है, इस इक्वेशन से आप वी डैश की वैल्यू यहाँ अगर रख दें तो जीरो क्यू Q डैश अपॉन C इंटू डी क्यू डैश, ऐसे लिख सकते हैं, जिसमें से 1 बाय जो C है बाहर निकल जाएगा, ये कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन के अंदर केवल रहेगा Q डैश एंड डी क्यू डैश। अब Q डैश विथ डी क्यू डैश इंटीग्रेशन आप करेंगे तो ये जो है ये बन जाएगा
क्यू डैश का स्क्वायर अपॉन टू, इंटीग्रेशन ये होता है। अब इंटीग्रेशन जो है आप हालांकि पढ़ चुके हैं इसलिए यहाँ मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, तो सिंपली सिंपल फार्मूला यूज़ करके इंटीग्रेशन ये आ जाएगा। इसमें जो लिमिट है जीरो से क्यू, ये वैल्यू अगर आप रख देंगे तो जो है वर्क डन हो जाएगा सिंपली वन बाय टू क्यू स्क्वायर अपॉन सी। ये हुआ वर्क डन का फॉर्मूला, और यही जो है आपकी पोटेंशियल एनर्जी बनेगा। यही जो वर्क डन है दिस विल स्टोर इन फॉर्म ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी, इसको यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर। अब यही जो पोटेंशियल एनर्जी, इसको हम एक दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमको पता है क्यू की वैल्यू क्या होती है, सी वी होती है, तो क्यू स्क्वायर की जगह सी वी स्क्वायर लिख के डिवाइड बाय सी करें तो एक और फॉर्मूला बन जाएगा पोटेंशियल का, दैट इज हाफ सी वी स्क्वायर। तो आप ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं और ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये हुआ फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए कैपेसिटर। तो ये तो था पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वन कैपेसिटर, बट अगर एक से ज्यादा कैपेसिटर हो उस टाइप आप पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे, तो यानी सीरीज कॉम्बिनेशन यदि हो तो क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी, और यदि पैरेलल हो तो क्या होगा, तो उसको भी एक बार देखते हैं। तो देखिए ये है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। यदि सीरीज में अगर कैपेसिटर लगे हुए हैं तो हम क्या करेंगे, इसका पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए सबसे पहले सबका इक्विवेलेंट निकाल लो। तो मान लो ये है सी इक्विवेलेंट इन सबका जो है इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, और इनका रिलेशन क्या है, इनका रिलेशन है 1 बाय सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय सी वन प्लस 1 बाय सी टू प्लस 1 बाय सी थ्री अप टू 1 अपॉन सी एन तक। ये है इक्विवेलेंट का फॉर्मूला। अब यदि ये है सी इक्विवेलेंट, तो जो अगर इस पूरे कॉम्बिनेशन का यदि पूछे व्हाट इज टोटल पोटेंशियल एनर्जी, तो जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी होगी इस फॉर्मूले से आप लिख सकते हैं 1 बाय टू क्यू स्क्वायर अपॉन सी इक्विवेलेंट, सी की जगह आ जाएगा सी इक्विवेलेंट, आप ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये जो है ये एक्चुअली हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 बाय टू क्यू स्क्वायर इंटू 1 बाय सी इक्विवेलेंट, ऐसे भी तो लिखा जा सकता है इसको, इसको थोड़ा सा अलग लिख लिया हमने 1 बाय सी इक्विवेलेंट। अब जो 1 बाय सी इक्विवेलेंट है इसका ये वैल्यू होता है, यदि इसकी वैल्यू यहाँ ये वाली वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये क्या हो जाएगा 1 बाय टू क्यू स्क्वायर ब्रैकेट में 1 बाय सी इक्विवेलेंट की जगह ये लिख रहे हैं हम 1 बाय सी वन प्लस 1 बाय सी टू प्लस 1 बाय सी थ्री प्लस अप टू 1 बाय सी एन, इस तरीके से लिखा जा सकता है। अब यदि ये वाले बाहर वाले टर्म को अंदर मल्टीप्लाई कर दें ब्रैकेट के अंदर, तो यही एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा 1 बाय टू क्यू स्क्वायर अपॉन सी वन प्लस 1 बाय टू क्यू स्क्वायर अपॉन सी टू प्लस 1 बाय टू क्यू स्क्वायर अपॉन सी थ्री प्लस अप टू करते जाएंगे 1 बाय टू क्यू स्क्वायर अपॉन सी एन एन तक आप करते जाएंगे। तो ये क्या निकला हमको, तो ये जो है 1 बाय टू क्यू स्क्वायर अपॉन सी वन, ये है पहले कैपेसिटर का, फर्स्ट कैपेसिटर का पोटेंशियल एनर्जी, ये है सेकंड कैपेसिटर का पोटेंशियल एनर्जी, ये है थर्ड कैपेसिटर का पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी होगा इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटर, यानी एक एक कैपेसिटर की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो सबको जोड़ दो सिंपली, तो उससे आपको जो है टोटल पोटेंशियल एनर्जी पूरे कॉम्बिनेशन का निकलेगा। तो U इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस करते जाएंगे अप टू UN, तो टोटल एनर्जी होगा सम ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटर इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब यही चीज हम चेक करेंगे इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब ये देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर है C1 C2 C3 ऐसा आप करते जाएंगे अप टू CN तक, ठीक है। तो n नंबर ऑफ कैपेसिटर पैरेलल में है। अब पैरेलल के केस में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री अप टू कहाँ तक सी एन तक, सबको सिंपली ऐड कर देंगे तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकल आता है। अब इस पूरे का यदि टोटल पोटेंशियल एनर्जी हम अगर लिखें कितना होगा, यू विल बी इक्वल टू, अब हम ये वाला सेकेंड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो ये हो जाएगा 1 बाय टू
सी इक्विवेलेंट वी स्क्वायर, इस तरीके से लिखेंगे। वी इसके बीच का जो है पोटेंशियल डिफरेंस होगा, पैरेलल में सभी में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कॉमन ही होता है, और सी इक्विवेलेंट। अब ये जो सी इक्विवेलेंट है इसकी जगह अगर मैं ये रख दूं तो ये क्या बन जाएगा, यू इज इक्वल टू वन बाय टू सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री प्लस करते जाएंगे अप टू सी एन फिर वी स्क्वायर। ठीक है, अब वी स्क्वायर को यदि इंडिविजुअली मैं मल्टीप्लाई कर दूं ब्रैकेट ओपन करके, वन बाय टू सी वन वी स्क्वायर प्लस वन बाय टू सी टू वी स्क्वायर प्लस वन बाय टू सी थ्री वी स्क्वायर अप टू वन बाय टू सी एन वी स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या बना, दिस इज फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सी वन, एक कैपेसिटर का पोटेंशियल एनर्जी, ये दूसरे कैपेसिटर का, ये तीसरे कैपेसिटर का। तो हम क्या लिख सकते हैं, जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी होगा ये हो गया पहले कैपेसिटर का पोटेंशियल एनर्जी प्लस सेकेंड कैपेसिटर का प्लस थर्ड कैपेसिटर का एनर्जी, ऐसे करते करते अप टू एन कैपेसिटर का इंडिविजुअल एनर्जी का आप जोड़ेंगे तो टोटल एनर्जी आपको निकल आएगा पूरे सर्किट का। तो इससे कंक्लूजन क्या निकला, चाहे कैपेसिटर सीरीज में लगा हो चाहे पैरेलल में लगा हो, जब आप टोटल कैपेसिटेंस निकालेंगे तो सारे कैपेसिटर का जो पोटेंशियल, सॉरी जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे तो सारे कैपेसिटर का इंडिविजुअल पोटेंशियल एनर्जी को सिंपली आपको जोड़ देना है, चाहे वो सीरीज में हो चाहे वो पैरेलल में हो, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा।